और अब बात रीवा के महामृत्युंजय मंदिर की। रीवा किला परिसर स्थित ये मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में महामृत्युंजय के रूप में भगवान शिव का सहस्त्र नेत्रों वाला शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि शिवलिंग पूरे विश्व में अपनी तरह का अनोखा शिवलिंग है। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में मौजूद ये शिवलिंग अपने आप में खास है। सहस्त्र नेत्रों वाला ये शिवलिंग सैंडस्टोन से बना है। माना जाता है कि बघेल रियासत के महाराज ने यहाँ पर महामृत्युंजय की अलौकिक शक्ति को भांप लिया था और यहाँ पर मंदिर की स्थापना के साथ ही रियासत के किले की स्थापना भी करवाई थी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त बेलपत्र, नारियल, धतूरे, मदार के फूल, दूध, दही और शहद अर्पित कर इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, इनकी बहुत बड़ी कृपा है कि ये बुला लेते हैं, हम आ जाती, इन्हीं की कृपा से आते हैं, बाकी अपना कुछ नहीं है, इनकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं 1979 से यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आने पे एक अद्वितीय शांति का अनुभव करता हूँ। ये भारतवर्ष का माने एकलौता मंदिर है महामृत्युंजय भगवान। इनके सहस्त्र नेत्र हैं और स्वयंभू हैं, ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। इस मंदिर के निर्माण का कोई लिखित इतिहास तो मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो करीब 6वीं शताब्दी में यहाँ लावण्या व्यापारी अपना डेरा जमाते थे, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में जब बघेल राजवंश यहाँ आया तो राजा भावसेन ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का ये जो परिक्रमा स्थल है, गुम्बद है, ये महाराजा भावसेन बघेल द्वारा बनाया गया है और उसके बाद महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने कुछ कार्य करवाया उसमें, उसके बाद फिर महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव ने कार्य करवाया। देश भर से भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सावन माह, महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी को तो यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। दर्शन के साथ ही पूरे दिन जलाभिषेक, जाप और हवन चलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि महामृत्युंजय की कृपा से भक्तों को मृत्यु भय नहीं रहता और बिगड़े काम भी बन जाते हैं। हितेश शर्मा, बंसल न्यूज, रीवा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर अपनी कलात्मक और सुंदरता के लिए साथ साथ भक्तों की आस्था का भी